स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी विस्वाती में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी प्रथम सेमेस्टर और साथ ही बीएड की बात की जाए तो इन दोनों को मैं साथ लेकर चलूंगी। यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और साथ ही बात की जाए चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर आप बाल विकास से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देख पाएंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए बाल विकास की तो यहाँ पर आप बाल विकास की अवधारणा, विशेषताएं, बाल विकास का क्षेत्र क्या है, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे बाल विकास से संबंधित। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो मैं बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर के बात करूँगी। तो यहाँ पर आप कंप्लीट बाल विकास को जो बेसिक है सारी चीज़ें जान पाएंगे। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट, अगर बात की जाए केबीएस की तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप यहाँ पर अपने सुपर टेट के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बाल विकास का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। किसी भी अर्थ को समझने से पहले हम उसके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे, इससे पता चल जाता है कि ये शब्द बना कहाँ से होगा। बाल विकास की अगर बात की जाए तो ये आपका दो शब्दों से बना है, एक तो है बालक या बाल और दूसरा अर्थ होगा इसका विकास यानी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपका दिया है जो बाल विकास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। चलिए हम दोनों का अर्थ पहले अलग अलग समझेंगे। बाल या बालक का तात्पर्य जन्म से 12 वर्ष तक के बच्चों से लगाया जाता है, परंतु बाल विकास में बालक का अर्थ गर्भकाल से युवावस्था या परिपक्वावस्था से लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है बालक का तात्पर्य अगर बाल विकास की बात की जाए तो ये आपके जन्म से जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों को ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पूरे बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत हमारा गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक आएगा, ठीक है। तो ये है आपका बाल या बालक का तात्पर्य। आगे हम देखेंगे विकास का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास का अर्थ यहाँ पर दिया है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आरंभ गर्भावस्था से होता है और यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास कई रूपों में होता है जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि। आगे दिया है बाल विकास का अर्थ विश्लेषण करें तो निम्न तथ्यों का समावेश इसमें मिलेगा। यह एक सकारात्मक विज्ञान है। बाल विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर साफ साफ दिया है बाल विकास गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मीनिंग हो गई। आगे हम डेफिनेशन देखेंगे बाल विकास की परिभाषाएं क्या है यानी डेफिनेशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम पहली परिभाषा देखेंगे श्रीमती एलिजाबेथ हरलॉक यानी आप कह सकते हैं हरलॉक के अनुसार बाल विकास की परिभाषा। इन्होंने बताया है आज बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है या जा रहा है जो उसके विकासात्मक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते समय होते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं और ये व्यक्तित्व हैं अथवा सार्वभौमिक। ये है ई बी हरलॉक के शब्दों में। तो उन्होंने अपने डेफिनेशन में कारण बताया है कि कौन कौन से बालक के विकास में कारण हो सकते हैं या परिवर्तन हो सकते हैं जो कि उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप इनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि है क्रो एंड क्रो के अनुसार। ये काफ़ी प्रचलित परिभाषा या डेफिनेशन कह सकते हैं आप। इन्होंने बताया है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। तो इस तरह से क्रो एंड क्रो ने बाल विकास की परिभाषा को परिभाषित किया है, ठीक है। इन्होंने गर्भकाल से किशोरावस्था तक के काल को बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की संज्ञा दी है।
तो इनकी भी डेफिनेशन आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि है ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। इन्होंने बताया है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। ठीक है, तो ये है आपकी ड्रेवर के अनुसार। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, फिर है यहाँ पर गैरिसन एवं अन्य के अनुसार बाल विकास का अर्थ या परिभाषा। बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से लगाया है। उसके बाद है स्किनर के अनुसार बाल विकास की परिभाषा। इन्होंने बताया है बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। तो ये है स्किनर महोदय का स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई हैं। ये सारी डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एक या दो काफ़ी हैं, याद कर लीजिए, लेकिन किसके अकॉर्डिंग कही गई है इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे हम देखेंगे इसी में आपका जो बाल विकास के पहलू हैं। बाल विकास के पहलुओं की बात की जाए तो इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है गत्यात्मक विकास, तीसरा है मानसिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास, आगे है भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सौंदर्यात्मक विकास, धार्मिक विकास। ठीक है, आगे और भी दिए हैं। धार्मिक विकास के बाद स्मृति का विकास, प्रतिभा व कल्पना का विकास, अवधान व रुचि का विकास, चिंतन एवं रुचि का विकास, खेल विकास, व्यक्तित्व विकास। तो ये हैं बाल विकास के इतने सारे पहलुओं जिन पर बात की जाए बालक के व्यवहार की, तो इन सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को देख लीजिए बाल विकास के पहलू के अंतर्गत। नेक्स्ट हेडिंग आएगी बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। क्यों आवश्यकता पड़ती है या क्या कुछ महत्व है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का, तो इसमें हम देखेंगे बाल विकास की आवश्यकता और महत्व। विद्यार्थियों की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो उनके लिए बाल विकास की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। इसमें पहला पॉइंट दिया है बालकों की वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करता है बाल विकास। सेकेंड पॉइंट है बालकों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ है इसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। फिफ्थ है रुचियों, प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। सिक्स है विशिष्ट बालकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए शिक्षार्थी की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। तो आप इन सभी पॉइंटों को पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर तो बात हो गई शिक्षार्थी की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा शिक्षक की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। इसमें दिया है शिक्षक के लिए बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को इस प्रकार समझा जा सकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इससे बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हो जाता है। कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक, ये तो हमने देख लिया। फिर है यह अध्यापक में छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। शिक्षक के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व पर बल देता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में अध्यापक की मदद करता है। अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। तो ये सारे पॉइंट हो गए। अगर बात की जाए शिक्षक की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, तो इन सभी पॉइंटों को आप देख लीजिए। ठीक है, और आप चाहें तो इन्हें लिख भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे बाल विकास का क्षेत्र, यानी जो
बालक के विकास का क्षेत्र है, स्कोप क्या कुछ है, तो उसको लेकर के हम बात करेंगे। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भाधारण अवस्था से युवा अवस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं आदि। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बाल विकास के विषय के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वो निम्न प्रकार की हो सकती है। तो बाल विकास के स्कोप को हम देखेंगे, यानी स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, चौथा है सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषा विकास और सृजनात्मकता। तो ये सारे स्कोप हो गए अगर बात की जाए चाइल्ड डेवलपमेंट की। ठीक है, अगर बात करते हैं बाल विकास के पहलुओं की तो वही सारे पॉइंट आपको बाल विकास के क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे, तो आप इन सभी पॉइंटों को देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, क्या कुछ कारक हो सकते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके DLED या बात की जाए BEd की तो उसमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल विकास के को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है शारीरिक विकास पर परिवार का प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव, संवेगात्मक विकास पर प्रभाव, भाषा विकास पर प्रभाव, सामाजिक विकास पर प्रभाव, चारित्रिक विकास पर प्रभाव, सृजनात्मक विकास पर प्रभाव, शैक्षिक विकास पर प्रभाव, मूल्यों के विकास पर प्रभाव और दक्षता के विकास पर प्रभाव। तो ये हो गए बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा भी कई सारे कारक हैं जो मेन हैं, जैसा कि इसमें पहला है वंशानुक्रम। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वंशानुक्रम यानी जेनेटिक, अगर इसकी बात की जाए तो यह बाल विकास के लिए या उसको प्रभावित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह प्रमुख कारक माना जाता है, क्यों? क्योंकि यह पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। बालक के कद, आकृति, चरित्र, बुद्धि और जो विकास है उसको भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित कर सकती हैं। तो इसके अंतर्गत आप इन पॉइंटों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी आपकी दी है, वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निश्चित कर देता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डेफिनेशन वगैरह भी दी हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंट यानी वातावरण। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक या तत्व माना जा सकता है। ठीक है, वातावरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शैशवावस्था से ही सभी प्रकार के विकास पर वातावरण जिसमें बालक रहता है का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें बाल विकास में अगर बात की जाए एनवायरनमेंट की तो उसका काफ़ी सारा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर वातावरण से तात्पर्य बालक की भौतिक एवं सामाजिक परिस्थिति से है जो कि वातावरण से संबंधित है। ठीक है, तो बाल विकास के कारकों में वातावरण का भी काफ़ी सारा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद पोषण यानी न्यूट्रिशन, बात की जाए अगर न्यूट्रिशन की तो इसका भी काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है। बाल विकास का ये एक प्रमुख कारक माना जाता है। इसमें दिया है बालक के सामान्य विकास के लिए उपयुक्त पालन पोषण तथा पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। अगर बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा, उसका पालन पोषण सही से नहीं होगा, ठीक है, उसको पौष्टिक आहार नहीं दिया जाएगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो वही सारी बातें इसमें दी हुई हैं कि बालक के सामान्य विकास के लिए उपयुक्त पालन पोषण तथा पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। प्रायः सभी परिवारों में समान रूप से बालकों के भोजन पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उसमें स्वास्थ्य के लिए आवश्यक चीज़ें हैं या नहीं। शारीरिक विकास के लिए आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम तथा विटामिन आदि बहुत आवश्यक हैं, जिनके प्रभाव में बच्चों की जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, यही सारी बातें आपकी पोषण से संबंधित होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही जिम्मेदार होता है बाल विकास के कारकों में या बालक के विकास को प्रभावित करने में। थर्ड पॉइंट है, पोषण तो हो गया, उसके बाद यौन भेद यानी सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, क्या कुछ है? अगर बात की जाए सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन
तो यौन भेद के कारण काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। परिवार में लड़के और लड़कियों में काफ़ी भेद किया जाता है, जिनके कारण भी बाल विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कई सारे पिछड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान दिया जाता है, तो ये भी आपका एक बहुत ही प्रभावकारी कारक है अगर बात की जाए बाल विकास के अंतर्गत, तो इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी पर्सनल वेरिएशन। इसमें दिया है सभी बालकों की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, विकासात्मक प्रगति में व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, सभी बालक या बालिकाएं जो भी हैं वो एक समान नहीं होते हैं, किसी में सोचने की सह समझने की क्षमता जो होती है वो तीव्र होती है, किसी में कम होती, किसी में मंद होती है, या फिर किसी का सृजनात्मकता क्षमता ज़्यादा होती है यानी क्रिएटिविटी, कोई खेल में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। तो वही सारी बातें कि व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहीं ना कहीं बालक के विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी संस्कृति यानी कल्चर का भी काफ़ी सारा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जो कल्चर होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है उनके विकास पर। तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, बुद्धि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है अगर बात की जाए बालक के विकास में। इसमें बताया गया है कि मनोविज्ञान अपने अध्ययनों के आधार पर निश्चित किया है कि कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक विकास मंद बुद्धि वाले छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बोलने पर चलने लगते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस भी काफ़ी इफेक्ट डालती है बाल विकास पर। उसके बाद है आयु यानी एज, तो आयु भी प्रभावित करती है। उसके बाद लास्ट है आपका खेल एवं व्यायाम, तो बाल विकास को प्रभावित करने में कहीं ना कहीं खेल एवं व्यायाम, साथ ही अगर बात की जाए प्रजाति और बालक का परिवार में स्थान, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बाल विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी मानव या बाल विकास की विशेषताएं यानी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर बात की जाए बाल विकास की विशेषताएं की, तो इसमें हम बाल विकास की अगर बात करें तो बाल विकास गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक बालक का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करता है, जो भी बच्चे का शारीरिक विकास है उसका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। थर्ड पॉइंट है बाल विकास के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है बाल विकास का अध्ययन विकासात्मक दृष्टि से भी किया जाता है। तो ये हो गए आपके बाल विकास की विशेषताएं। इसके अलावा अगर आप पॉइंट इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि बाल विकास बालक के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, ठीक है, या संवेगात्मक विकास का अध्ययन करता है, या सामाजिक विकास का अध्ययन करता है, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इन सभी चीज़ों को आप लिख सकते हैं बाल विकास की विशेषताओं के अंतर्गत। आप इन सभी पॉइंटों को देख सकते हैं, ये आपके बाल विकास की विशेषताओं के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बाल विकास से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हीं से बन सकते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या है, आप बाल विकास की परिभाषा दीजिए, ठीक है। साथ ही पूछ सकता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर पूछ सकता है बाल विकास की विशेषताएं बताइए, साथ ही बाल विकास का क्षेत्र बताइए, या फिर बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अगर बात की जाए DLED या BTC फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया नामक विषय से, या फिर अगर बात की जाए BEd की, ठीक है। BEd में भी आपका ये पेपर है, आपका पेपर 1, जो कि अगर बात करें शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो उसमें भी आपका ये चैप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पर
मैंने बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के बात की है। अगर आप बात करते हैं यूपी टेट, सी टेट, केवीएस या फिर सुपर टेट, तो उनमें से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले हम यहाँ पर चैप्टर वाइज चीज़ों को लेकर के बात करेंगे, उसके बाद वन लाइनर चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर के बात करेंगे, यानी जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, तो इन सभी अवस्थाओं को लेकर के हम बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी सुझाव हैं वो दे सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।